जिस तरह से राज्य में हेल्थ के लिए काम हो रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत अच्छी तरह से कोविड के दरमियान जो यहां काम किया गया उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिटिकल केयर यूनिट खोला जाएगा। 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट में ऑक्सीजन की सुविधा होगी, वेंटिलेटर की सुविधा होगी। थोड़ी देर पहले कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना काल में यहाँ पे अच्छा काम हुआ जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, लेकिन तब तो उद्धव ठाकरे की सरकार थी और अभी की जो आपकी सरकार है उन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं और उसी दरमियान जो भ्रष्टाचार हुए उसी के रिगार्डिंग अभी चौकी सीएजी की रिपोर्ट भी आई है और उसी के आधार पर अभी जांच भी चल रही है। मैं कोविड के कार्यकाल का कोई विषय पर पॉलिटिक्स करना नहीं चाहूंगा। उस वक्त भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने जो मांगा सारा सहयोग किया था और अपेक्षा रखी थी कि उसका बेस्ट से बेस्ट इम्प्लीमेंट करे और उसमें किसी को भी कचास रखी हो तो उसके सामने कार्यवाही होनी ही होनी चाहिए। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।